पब्लिक टीवी आपकी आवाज। टैक्स फेडरेशन के चेयरमैन बने सीए हिमांशु मेहरा का सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। सर्वप्रथम रामगंगा विहार स्थित एक रेस्टोरेंट में सीए हिमांशु मेहरा ने सभी का आभार जताया। उसके बाद फेडरेशन को मजबूती के साथ चलाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर मौजूद सभी पदाधिकारियों ने सीए हिमांशु मेहरा का जोरदार स्वागत किया और फूल मालाएं पहनाकर उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित की। आपको बता दें कि सभी टैक्स बार एसोसिएशन और सीए एसोसिएशन की संयुक्त सभा में सीए हिमांशु मेहरा को निर्विरोध टैक्स फेडरेशन का चेयरमैन चुना गया था। रामगंगा बिहार स्थित राज्य कर भवन के अधिवक्ता कक्ष में एके सिंगल के द्वारा बार एसोसिएशन और सीए एसोसिएशन की सभा बुलाई गई थी। सभी सदस्यों की सहमति से सीए हिमांशु मेहरा को चेयरमैन चुना गया। नवनियुक्त चेयरमैन ने कहा कि सभी अधिवक्ता संघों सीए एसोसिएशनों के हितों के लिए कार्य करेंगे। सभा में अधिवक्ता राजीव जौहरी, राजकमल रस्तोगी, जिया जमीर, अतुल सक्सेना, शैलेश कौशिक, सुनील वर्मा, गोविंद मेहरोत्रा, अनंत अग्रवाल, एके सिंगल के साथ उपदेश अग्रवाल भी उपस्थित रहे। सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे इस पद के लिए चुना है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो आपकी मुझ पर अपेक्षाएं हैं उनमें खरा उतरूँ। सिंगल साहब ने हमारे बहुत अच्छे से टेन्योर चलाया था तो मुझे पूरी उम्मीद है कि उनका मार्गदर्शन, आप सब लोगों का मार्गदर्शन मिलता रहेगा और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि और अच्छे से अच्छा करने के प्रयत्न करूँ। सिंगल जी का मुकाबला करना आसान नहीं है लेकिन मैं भी कोशिश करूँगा क्योंकि उनके अगर सहयोग मिल गया और मिलेगा ज़रूर तो उसमें पूरी उम्मीद है कि मैं अच्छा कार्य कर पाऊँ। इस बार क्या विशेष करने की तैयारी है? हम लोग ये सोच रहे हैं कि कुछ अच्छे स्पीकर बुलाएंगे बाहर से या शहर से, जैसे भी होगा। एक हमारा बहुत जल्दी प्लान है कि क्योंकि हम लोग अक्टूबर तक सभी एडवोकेट्स और सीए बिजी रहते हैं तो नवंबर में मेरा एक प्लान है कि हम लोग एक अच्छी सेमिनार करेंगे जीएसटी के ऊपर और इनकम टैक्स के ऊपर। बाद में जो डी टैक्स फेडरेशन हमारी है, कौन कौन सी एसोसिएशन है आपकी? तो टैक्स बार एसोसिएशन हो गई, इनकम टैक्स बार एसोसिएशन हो गई, डायरेक्ट टैक्स बार एसोसिएशन हो गई और मुरादाबाद चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसमें पांच संस्थाएं हमारी हुआ करती थी और वो पांच संस्थाओं में तीन तीन मेंबर्स होते थे, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और थर्ड मेंबर अपॉइंटेड होता था। ये क्रमबद्ध तरीके से हमारा चला करता था। एक एक एसोसिएशन का चेयरमैन एक एक बार बना करता था। इस बार सी एसोसिएशन का चेयरमैन हमारे अपॉइंट हुए हैं हिमांशु मेहरा जी। इस एसोसिएशन का मुख्य काम यह है कि आपस में सारी एसोसिएशन को, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हों या वो एडवोकेट्स हों, सबके बीच में एक यूनिटी बना के रखना है, आपस में कोऑर्डिनेशन बना के रखना और हमें लीगल डिस्कशन करना होते हैं। समय समय पर हम लीगल टॉपिक्स पे डिस्प्यूट पे डिस्कशन करते हैं, इनकम टैक्स के, जीएसटी के, वैट के। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसमें एक और है कि साल में हम जो वैट आते हैं, हमारा बजट आता है, उस बजट पे पूरा डिस्कशन करते हैं, एक एक अमेंडमेंट का डिस्कशन करते हैं, जो बहुत ही कम जगह होता है और ना के बराबर लोग करते हैं। लेकिन मुरादाबाद एक ऐसा शहर है जो टैक्स पिटिशन के बैनर के आगे नीचे उस पूरे बजट पे डिस्कशन करते हैं, इनकम टैक्स के भी, जीएसटी के भी, सर्विस टैक्स के भी, एक एक स्टेप पर डिस्कशन करते हैं। ये हमारा टैक्स पिटिशन कार्य है। आज हमने इनका स्वागत किया है, बहुत अच्छी बात है। और ये स्वागत का कार्यक्रम जो है हमारे श्री उपदेश अग्रवाल जी हमारे एक मेम्बर हैं, उनके सौजन्य से कार्यक्रम आयोजित किया। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।